लोगों की दिक्कत को देखते हुए भले ही सरकार ने हरियाणा रोडवेज की सेवा बहाल कर दी हो, लेकिन अब भी बसों में पहले की तरह से यात्री सफर करते नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि बसों में यात्री कम होने के कारण रोजाना 12 से 13 लाख रुपए कमाने वाले अंबाला डिपो की आय कम होकर 50,000 पर पहुंच गई है। अंबाला बस अड्डा इंचार्ज विजेंद्र कुमार ने बताया कि हम अपने बस अड्डे से बस तो चला रहे हैं, हालात यह है कि सवारियां ना होने के कारण कई बसों को खाली ही चलाना पड़ता है। जी, बसें तो हमने लगा रखी हैं, 15-20 बसें लगा रखी हैं और बसें ऐसी हैं कि तकरीबन खाली ही चल रही हैं, सवारी है नहीं। किसी में 20 हैं, किसी में 30 है। अगर किसी में 30 सवारियां भेजते हैं तो कम से कम भी हमारे को एक घंटा गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है। गर्मी का टाइम है और जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है गर्मी में बैठे बैठे, और 30 सवारी के बगैर, लेकिन कम सवारी हम भेज देते हैं वहाँ से खाली आती है गाड़ी। अगर ना भेजे तो हमें यात्रियों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बस स्टैंड पे यात्री इकट्ठे हो जाते हैं, इनको भी भेजने के लिए हमने बसों को यहाँ पर बुलाना पड़ता है और यात्री बहुत कम हैं। गाड़ियाँ तकरीबन सारी ही खाली जा रही हैं और कोई इतना वो नहीं है और ना इतने यात्री है, जो कि ज़्यादातर प्रवासी मजदूर ही नज़र आ रहे हैं मेरे को। आम आदमी जो चलता था वो नहीं है, या सर्विस मैन है वो भी अपनी अपनी गाड़ियाँ ले कर चल रहे हैं, लेकिन जितने भी मैं बसों में देख रहा हूँ, और ये आप आए हो आप भी खुद देख सकते हो, जितने भी हैं ये प्रवासी मजदूर या इधर उधर से आने वाला ही है, फैक्ट्री से है या और है, लेबर तबका है ज़्यादा, वो आम कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें बसों में। बसें जी अपना यहाँ से हम पानीपत और ये यमुनानगर, नारायणगढ़, कालका, पिंजौर, यहाँ को चला रखी गाड़ियाँ। इंटरस्टेट बंद है जी, इंटरस्टेट कोई गाड़ी नहीं जा रही। पहले जा रही थी, चंडीगढ़ जो बंद हुआ था उससे हमारे को बहुत फर्क पड़ गया है। जब तक चंडीगढ़ खुला था तो पंजाब की सवारी और इधर चल रही थी और बसें भी अच्छी चल रही, कम से कम 30-40 बसें चल जाती थी। जब से चंडीगढ़ बंद किया है तो बहुत ही फर्क पड़ा है यात्रियों में। सैनिटाइजर वर्कशॉप से होके आती है जी, और कंडक्टरों को एक एक बोतलें हमने दे रखी है, वो इनको वहाँ से यात्रियों को और अपने भी वो लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से इनका तापमान चेक करके भेजा जाता है। रास्ते से जो सवारियां बैठाते हैं उनका तापमान कैसे चेक करते हैं? रास्ते से तो जी ये यहाँ से नॉन स्टॉप ही करते हैं, 30 सवारी बिठा के भेजते हैं, नॉन स्टॉप है, बीच में नहीं उठाते कोई यहाँ से। रास्ते में बिठाई सवारियों का विवरण लिखा जाता है? हाँ, उनको अपने वो दे रखे हैं, उनके नाम नंबर और सब उनका बायोडाटा लिखा जाता है, भाई ये कहाँ से आया, कहाँ जाना है और इसका एड्रेस कहाँ का, उसका मोबाइल नंबर सारा कंडक्टर अपने उसमें लिखता है। तो रोडवेज घाटे में जा रहा हूँ? बिल्कुल घाटे में जी, रोडवेज बहुत ही घाटे में। पहले 12 लाख कम से कम डेली का अंबाला डिपो का कैश होता था, जो कि आज 50,000-60,000, और इसमें बिल्कुल ही घाटा है रोडवेज में। क्यों हो रहा है, किसका असर है? ये कोरोना की वजह से हो रहा है, लोग निकल नहीं रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, दिक्कतें आती हैं, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे, और ये लॉकडाउन कई जगह अपना पंजाब बंद है, हिमाचल बंद है, दिल्ली बंद है, इस वजह से भी बहुत नुकसान है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल में बसों की आवाजाही ना होने भी रोडवेज के घाटे का एक बड़ा कारण है। खैर, देखने वाली बात होगी कि अनलॉक पार्ट के दौरान रोडवेज को लेकर सरकार की ओर से क्या घोषणा की जाती है, जिससे घाटे में चल रही रोडवेज की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। भारत 9 के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।